तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 114 गज के प्लॉट पर बना 3 BHK का प्यारा सा घर मीन कालवार रोड से मात्र 1 किलोमीटर के अंदर। आपकी ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है, बहुत ही कम दूरी पे आपको ये घर मिल जाता है। घर का एलिवेशन लुक देखने से पहले मैं देना चाहूँगी अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन। जय श्री ओम बन्ना के दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ पहले की तरह बेहतर ही होंगे आप। मैं आपके अपनी निशा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आप ही के अपने YouTube चैनल SB होम्स में। तो दोस्तों आज ये देखते हैं घर का एलिवेशन। बहुत ही प्यारा सा एलिवेशन दिया गया है, यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको मिल जाता है। तो घर का कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही प्यारा रखा गया है। घर के फ्रंट में आपको 40 फीट वाइड रोड मिल जाएगी दोस्तों। साइड में भी देख पा रहे हैं काफी प्यारा वर्क करके आपको दिया गया है। आज के घर में फिनिशिंग को लेकर आपको बिल्कुल भी कोई भी शिकायत नहीं रहने वाली है। घर का डोर आप देख पा रहे हैं काफी अच्छा है और पोर्च एरिया तो वाह भाई वाह, बहुत ही अच्छा आपको मिल जाता है। इजीली यहां पर आ जाएगी आपकी बड़ी सी कार। एंड इसी के साथ में एंट्रेंस की बात करेंगे, ड्यूअल एंट्री आपको आपके इस हाउस में मिलती है। यहां से आप डायरेक्ट जा पाएंगे अपने फर्स्ट बेडरूम में, यानी कि आपके गेस्ट रूम की तरफ, और यहाँ से जाएंगे अभी अपन आपके लिविंग एरिया की तरफ। आ जाइए दोस्तों, स्टेयर्स का प्रोविजन आपको बाहर से मिलेगा। यहाँ पर आ जाता है वाटर टैंक का प्रोविजन, इसी के जस्ट पास में मोटर के लिए स्पेस भी मिल जाता है। ऊपर आपको टेरेस की तरफ थर्ड बेडरूम दिया गया है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये रहेगा आपका लिविंग एरिया। स्पेशियस है, सिंपल वॉल रखी गई है, यानी कि बहुत ही अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के साथ वॉल मिल रही है। ऊपर सीलिंग में आप देख पा रहे हैं कॉपलाइट्स वर्क आपको करके दिया गया है। ये है आपका LED पैनल, स्पेशियस है, यहाँ पर सेल्फ भी मिल जाते हैं। इस तरफ रहेगा आपका मॉड्यूलर किचन, स्पेशियस है ये भी, काफ़ी अच्छे टाइल वर्क के साथ मिल रहा है। फ्रीज के लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तरफ है आपके डबल वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम आपको मिल जाते हैं जो कि डबल रहने वाले हैं, और बीच के स्पेस में वॉश बेसिन एरिया आपका आ जाता है। इस घर को साइट विजिट करने के लिए स्क्रीन पे आपको मिल जाएंगे नंबर, आप कॉन्टेक्ट कीजिए निशा को। और ये आ जाता है आपका फर्स्ट बेडरूम, इसका स्पेस भी ठीक है, सेपरेट एंट्री आपको मिल जाती है, इसी के पास में विंडो है, प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा, एंड यहाँ पर आपकी वार्डरोब भी आ जाती है। इस घर में आपको AC के लिए सेपरेट पॉइंट भी दिए गए हैं दोस्तों, जो कि मोस्टली आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं मुझसे। एंड इस तरफ रहेगा आपका सेकंड बेडरूम। ये देखिए इस बेडरूम में जो कलर कॉम्बिनेशन रखा गया है, वाह भाई वाह, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ये जो लैम्प है ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और इस रूम में लगा देता है 4 चांद। यहाँ पर है आपकी सेकंड वार्डरोब, स्पेशियस है ये भी, बेकेड स्पेस दिया गया है, वेंटिलेशन तो प्रॉपर रहेगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और अधिक तो आपको साइड विजिट के लिए आना पड़ेगा तभी आप देख पाएंगे। आ जाइए अब चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ। अभी हम आ चुके हैं आपके थर्ड बेडरूम की तरफ। ये देखिए, ये रहेगा आपका टेरेस एरिया, एंड इस तरफ आपको फिर से डबल वॉशरूम दिए गए हैं जो कि एज ए टीज रहने वाले हैं दोस्तों। बीच में वॉश बेसिन एरिया आपको मिल जाएगा, एंड ये है आपका थर्ड बेडरूम, इसका स्पेस भी ठीक ठाक है। इस बेडरूम में भी आपको वार्डरोब मिल जाती है, इस तरफ वॉल पे कलर आप देख पा रहे हैं, अटैच बैल्कनी भी आपकी रहने वाली है। तो इसी के साथ ये था अपना 114 गज के प्लॉट पर बना प्यारा सा घर, जिसके प्राइस की अगर मैं बात करूंगी 46 लाख में आपको ये प्यारा सा घर मिल जाता है दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप निशा को कॉल कीजिए और आ जाइए साइट विजिट के लिए और जान लीजिए इस घर के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।